हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस और ऐसे आसन बताऊंगा जिससे हम त्रिविक्रमासन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो पहले तो त्रिविक्रम आपकी दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक आपकी लातों की फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा आपका बॉडी बैलेंस। तो पहले तो मैं आपको लातों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन बताता हूँ, जैसे जो मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, भूनमन आसन और फ्रंट स्प्लिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, आपको मैंने पहले फ्रंट स्प्लिट करवाई थी, उसमें आपने बस आराम से इसको करना है। पहले जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई हुई वार्म अप को जरूर करना है, उसके बिना कभी भी फ्रंट स्प्लिट नहीं लगानी। और इसको आगे झुक के आराम से नाक लगाइए नीचे, ऐसे साइड में देख के, इससे आपका त्रिविक्रम का बहुत अच्छा होगा। अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूँ जो हमारे हम आपको सिखाऊंगा बॉडी बैलेंस करना। बॉडी बैलेंसिंग के लिए आप कोई भी बस इसको जैसे टांग हम उठाते हैं आराम से, बस इसको टांग को यहां उठाना है, आराम से अपने थाई में रखना है, थाई के नीचे और ऊपर देखना, स्ट्रेच करना है बॉडी को, इससे आपका बॉडी बैलेंस अच्छा हो जाएगा। त्रिविक्रम के लिए एक टांग पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, उससे आपकी स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी में अच्छा होगा। और दूसरा वाला ये ऐसे त्रिविक्रम का ये बेसिक होता है, अगर आपको त्रिविक्रम करने के लिए पहले ये करना सीखना ऐसे। और त्रिविक्रम की अगर स्ट्रेचिंग आप बनाना चाहते तो ये भी कर सकते हैं, ऐसे हाथ रखिए, यहां से जो टांग करनी है उसी हिसाब से करिए, इसके बाद ऐसे रखिए एक दीवार पे, दूसरे को ऐसे करके खींचिए जितना खींच सकते हैं। तो गाइस, जब आपकी टांगों की स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी या फिर जब आपका बॉडी बैलेंस दोनों में आपको इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद त्रिविक्रम आसन आराम से कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ऐसे एक लात उठानी है, आपको मैं टेक्निक बता देता हूँ, एक लात उठानी है जो भी आपको लेफ्ट राइट जो भी आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको एडी पे पैर रखिए या बीच में रखिए पैर की, कोई बात नहीं, हाथ रखिए कोई बात नहीं, कहीं फर्क नहीं पड़ता, बस सीधा ऊपर की तरफ खींचना, जितना ऊपर खींच सकते हो ऊपर इधर खींचो हाथ, दूसरा आराम से बिल्कुल, और सामने देखिए बिल्कुल सामने ऐसे सीधा, गर्दन सीधी, नीचे दोनों घुटने सीधे रखिए और उसको आराम से छोड़ना है।